नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे हाथ में आप जो टैबलेट देख रहे हैं, हम उसका डिटेल रिव्यू देखेंगे। ऐसे सवाल जवाब के बारे में जानेंगे जो आप आज तक नहीं जानते। मेरे हाथ में ये लोपरामाइड कंटेंट वाली लोमोडी ब्रांड है, जो जेनरिक है। लोमोडी के अलावा मार्केट में मिलने वाली आप इमोडियम टैबलेट या कैप्सूल जानते होंगे, सेम फॉर्मुलेशन है लोपरामाइड का। इसमें है 2 मिलीग्राम लोपरामाइड। बहुत सारे लोग इसके डोज के कारण संभ्रम में है, इसका डोज नहीं जानते। हम आपको डोज भी बताएंगे, सारे यूजेस भी बताएंगे और कहाँ यूज करना चाहिए, कहाँ यूज नहीं करना चाहिए, इसके बारे में ब्रीफली बात करेंगे। लोमोडी या फिर कोई भी लोपरामाइड की टैबलेट क्यों ना हो या कैप्सूल क्यों ना हो, ये मेडिसिन ऐसी है जिसके इस्तेमाल से फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया कम होते हैं। यानी कि बार बार आपको पेचिश हो रहे, बार बार आपको पतले दस्त हो रहे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ये कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीली टैबलेट या पेट की गोली नाम से फेमस है लोमोडी। यहाँ पर तो देखिए MRP है 21 रुपीज़ और 60 पैसा। एक ज़माने में ऐसा था कि 2 रुपये में आपको 10 टैबलेट मिलती थी। यही टैबलेट जेनरिक होने के कारण आपको कम रेट में भी मिल सकती है। गैस्ट्रो इंटराइटिस यानी कि पेट में अगर गैस बन रहा है, पेट में आंतों की जलन हो रही है, या IBS जिसे कहते हैं या शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम कहते हैं, उसका इलाज करने के लिए उपयोगी है। अगर याद रखिए, मैंने फिर से कहा, अगर आपके डायरिया में या टूल में या पतले दस्त में ब्लड मिलता है तो ये टैबलेट इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात, ये टैबलेट इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मात्रा जान ले। इसका स्टार्टिंग डोज यानी कि स्टार्ट डोज है 2 टैबलेट का, बाद में आप सुबह शाम एक टैबलेट ले सकते हैं। 8 मिलीग्राम से ज़्यादा आपको नहीं लेना है। ये अफोर्ड कैटेगरी में भी आ जाता है, ये डेरिवेटिव है। इससे नशा हो सकता है अगर आपने 8 मिलीग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल किया, इसलिए कोई भी आपको ये टैबलेट ज़्यादा नहीं देगा। क्योंकि FDA ये जानता है कि इमोडियम रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, लोपरामाइड रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्योंकि हाई डोज के कारण ऐसे रिपोर्ट सामने आए जिसके कारण हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है या डेथ भी हो सकती है। इसलिए डिजायर्ड अमाउंट में इसे लेना चाहिए। मिसयूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए या एबूज बिल्कुल करना नहीं चाहिए, ऐसा FDA के कमिश्नर डॉक्टर स्कॉट गॉटलिप कहते हैं। हम इसके बारे में ब्रीफली जान कर लेंगे, ऐसी जानकारी जिसे जानने के लिए आप इधर उधर सर्च करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, ये लोपरामाइड क्या है, यानी कि ये लोमोडी क्या है? ये ऐसी टैबलेट है जिसके इस्तेमाल से ट्रैवलर्स डायरिया, यानी कि अगर आप इधर उधर से घूम कर आते हैं तो आपको डायरिया लगता है, उसको कंट्रोल करने के लिए फ़ायदेमंद है। ये सामान्य डायरिया भी कंट्रोल करने के लिए उपयोगी है। यह गट यानी कि इंटेस्टाइन की मूवमेंट कम करके डायरिया कंट्रोल करता है। अगर इंटेस्टाइन की मूवमेंट ज़्यादा हुई तो जल्दी से खाया पिया जो भी है वो एनस थ्रू बाहर निकल जाता है। यह गट की मूवमेंट यानी कि इंटेस्टाइन की मूवमेंट कम करता है, जिसके कारण बॉवेल पास होने की या डायरिया की फ्रीक्वेंसी इससे कम होती है। इससे वाटर मूवमेंट भी कम हो जाती है। अगर आपको इलेस्टोमी हो चुका है, इलेस्टोमी की ऑपरेशन रहता है अगर हो चुका है, तो ये टैबलेट उसके लिए भी फायदेमंद है। दूसरा सवाल कि इसे कैसे लेना चाहिए, मैंने फिर से आपको बताना चाहूँगा। इसका स्टार्टिंग डोज है 2 टैबलेट का, बाद में सुबह शाम एक टैबलेट ले सकते हैं, दिन में से 3 टैबलेट ले सकते हैं, मगर स्टार्ट करने के लिए आपको 2 टैबलेट लेनी चाहिए। माना जाता है कि ये टैबलेट लेने के बाद पेशाब का कलर येलोश हो जाता है, उसमें डरने की कोई बात नहीं, ये कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। ये एंटीबायोटिक है क्या? जी हाँ, ये एंटीबायोटिक असुर डायरिया ठीक करता है, इसे एंटीबायोटिक नहीं कह सकते। एंटीबायोटिक असुर डायरिया ऐसा डायरिया है अगर
आप कोई हायर एंटीबायोटिक लेते हैं या एमोक्सिलिन जैसी टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, तो आपको जब एमोक्सिलिन लेना चाहिए, मतलब एमोक्सिलिन जब लेते हैं तो आपको डायरिया होते हैं, एमोक्सिलिन का डोज जैसे बनता है तो डायरिया बंद हो जाते हैं। परंतु आपको एमोक्सिलिन अगर ज़रूरी है तो एमोक्सिलिन के ट्रीटमेंट के साथ साथ डॉक्टर ये लिख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मुलेशन है, इसे खाली पेट लिया जाता है। याद रखिए इसे कब ना लिया जाए, अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस से, ब्लडी और टैरी टूल से, यानी कि आपके खून में, मतलब आपके पेशीज में या आपके पतले दस्त में ब्लड मिलता है तो इसे ना ले। कोलन का इन्फ्लेमेशन होता है, कोलन यानी कि पेट में अगर आंतों में अल्सर है तो अल्सर थ्रू या अल्सर द्वारा आपके आंतों में जाएगा ब्लड। ये ब्लड अगर मिलता है और इंटेस्टाइन की जलन होती है, कोलन की जलन होती है, तो ऐसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर डायरिया है, आपको पतले दस्त है और दस्त के बावजूद इस आपको फेवर है तो इसका इस्तेमाल ना करें। याद रखिए अगर आपको बुखार है और डायरिया है तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके लिए अलग से मेडिसिन आती है जिसे ऑफ्लोक्सासिन और नोरनाडाजोल का कॉम्बिनेशन कहते हैं, और उसके साथ आप एंटीपायरेटिक यानी कि पैरास्टामोल ले सकते हैं। याद रखिए डॉक्टर की सलाह फायदेमंद रहती है। लोप्रामाइड ये सेफ है, बच्चों को दिया जा सकता है, बड़ों को दिया जा सकता है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है जैसे कि डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ड्राई माउथ, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, फटीग, और जी हाँ, पेट आपका भरा भरा सा लगता है, पेट फुला सा लगता है, डिस्कम्फर्ट ऐसे समय फील होता है। इमोडियम या लोप्रामाइड की या येलोमोडी टैबलेट क्यों ना हो, इसे खाली पेट लिया जा सकता है। अगर फिर से आपको वाटर बॉबल्स होते हैं, डायरिया होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए डॉक्टर की सलाह द्वारा आप ये ले सकते हैं। इसका असर सिर्फ 1 घंटे के अंदर शुरू हो जाता है। अगर आप केले खाते हैं या फिर आप प्लेन व्हाइट राइस खाते हैं तो डायरिया की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। चावल के साथ अगर आपने घी खाया तो उसमें बहुत फायदा होता है। यह बहुत ही सस्ते सी टैबलेट है, आपको OTC मिलती है। बहुत ज़्यादा लोग बगैर डॉक्टर के यहाँ जाकर भी ये टैबलेट खरीद सकते हैं, मगर या ये टैबलेट का इस्तेमाल आपको डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। यह अत्यंत सेफ है, ये एडिक्टिव नहीं, मगर हाई डोज में एब्यूज हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। 8 या 16 मिलीग्राम से ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की टैबलेट है। आज हम आपको इसके बारे में जो ब्रीफली बताया, निश्चित स्वरूप से हमें आशा है कि आपको सब समझ में आ चुका होगा। याद रखिए अगर आपको डायरिया ज़्यादा है तो नाइट में आप इसे लेकर सो सकते हैं, जिसके कारण जो भी मॉर्निंग में होने वाली फ्रीक्वेंसी है डायरिया की उसमें कंट्रोल आ जाता है। आप स्लीपी मोड जैसा बिहेव कर सकते हो इसे लेने के बाद। हार्ट पर इसका गहरा प्रेशर हो सकता है, अगर आपको हार्ट डिसीज है तो इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपको प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल ना करें। इंट्राक्विनोन नाम की टैबलेट है, वो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा ये फॉर्मूला है। याद रखिए इसके साथ अल्कोहल बिल्कुल ना ले, क्योंकि अल्कोहल से भी डिजीनेस फील होता है, ड्राउजीनेस फील होता है, और लोप्रामेट से भी होता है, तो ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हो सकता है। बहुत ही बढ़िया सा ये फॉर्मूला है, आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक के साथ भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी सवाल पूछते हैं कमेंट में तो इसलिए हम सारे जवाब आपको देना चाहते हैं। डायरिया को स्टॉप करने वाला या हाउ टू स्टॉप करने के जो भी आप वीडियो देखते हैं गूगल पे या यूट्यूब पे, तो उसमें सबसे बढ़िया सा ये आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आपको बहुत बढ़िया सी रेमेडी है। लीवर पे इसका कोई भी असर नहीं होता, और पेशाब में उसका कलर बदलना ये कोई बड़ी ऐसी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको वीडियो और दी हुई जानकारी थोड़ी बहुत पसंद है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।